राजधानी लखनऊ में लगातार खाके का क्रूर चेहरा सामने आ रहा है। बीते दिनों गोमती नगर थाना क्षेत्र में विवेक तिवारी की हत्या की गुत्थी अभी सुलझ ही नहीं पाई थी कि देर रात गोमती नगर थाना क्षेत्र में खाकी की गुंडई सामने आई है, जहां डीजीपी ऑफिस में तैनात एडीजी एलओ आनंद कुमार के पीआरओ एडिशनल एसपी राजेश सिंह ने शराब के नशे में धुत होकर मामूली सी बात पर गोमती नगर थाना क्षेत्र के मेलॉस होटल के कर्मचारियों को मारा पीटा और होटल में तांडव भी मचाया। सूचना पर पहुंची गोमती नगर पुलिस एडिशनल एसपी और राजेश सिंह के बचाव में जुट गए और उल्टा होटल कर्मचारियों से अभद्रता करने लगी और मौके से एडिशनल एसपी को हटा दिया। आपको बता दें कि लगातार गोमती नगर थाना क्षेत्र में खाकी की दबंगई सामने आ रही है। बीती रात डीजीपी ऑफिस में तैनात एडीजी एलओ आनंद कुमार के पीआरओ एडिशनल एसपी राजेश सिंह की दबंगई भी सामने आई है, जहां एडिशनल एसपी राजेश सिंह ने शराब के नशे में धुत एक होटल में काम करने वाले कर्मचारियों को मारा पीटा और जमकर होटल में तांडव मचाया। वहीं इस पूरे मामले पर होटल के कर्मचारी दीपक ने बताया कि उनकी गाड़ी का शीशा टूटा हुआ था और वो होटल के सीसीटीवी चेक करने के लिए आए हुए थे। हम लोगों ने बोला, सर 2 मिनट रुकिए, चेक करवाते हैं। इतने में भड़क गए और गाली गलौज करने लगे और मारपीट भी करने लगे। इसके बाद होटल के कर्मचारियों और हम सब ने मिलकर पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने अपने पुलिस अधिकारी को देखकर हम लोगों के साथ अभद्रता करने लगे और गाली गलौज भी करने लगे। दीपक ने यह भी बताया कि गोमती नगर थाना में तैनात अमरनाथ यादव नामक इंस्पेक्टर ने जमकर होटल कर्मचारी से बदतमीजी की और धमकी भी दे डाली, जिसके बाद मामले को बढ़ता देखकर सीओ गोमती नगर मौके पर पहुंचे और समझा बुझाकर होटल कर्मचारियों को शांत कराया। मामला पुलिस विभाग के अधिकारी का था, जिसकी वजह से पुलिस पूरे मामले में लीपापोती करती नजर आई और होटल के कर्मचारियों को भी थाने ले जाने लगी। देर रात तक इस पूरे मामले पर आला अधिकारी बोलने को तैयार नहीं थे और मीडिया कर्मियों से बचते नजर आए। क्या नाम है आपका? दीपक सिंह। दीपक जी, एक राजेश सिंह नाम के एसपी आए थे, उन्होंने क्या किया, क्या मामला है? सर वो आए और चावल डॉट कॉम के बाहर खड़े हुए थे, उनकी गाड़ी कहाँ एक्सीडेंट हुई पता नहीं। राहुल नाम का एक काउंटर पे लड़का था, उनको उन्होंने गाली दिया और मारा। जब स्टाफ मुझे आके बोला, मैं बाहर गया, उनसे रिक्वेस्ट किया, सर आप 2 मिनट दीजिए मुझे टाइम, मैं कैमरा ऑन करके आपको दिखा देता हूँ। वो उल्टा सीधा बोले, मैं आया सिस्टम पे कैमरा ऑन करने के लिए, तब तक गोमती नगर से अमरनाथ यादव जी आए, उनको मैं रिक्वेस्ट किया, सर 1 मिनट रुक जाए, मैं सिस्टम ऑन कर रहा हूँ, आपको पूरा दिखा दे रहा हूँ, हमारे यहाँ हुआ है, कहाँ हुआ है वो मुझे पता नहीं, आप क्लियर कर लीजिए, उसके बाद कुछ भी बोलिए मैं मान जाऊंगा। वो बाहर निकल गए मुझे लेकर, उसके बाद वहाँ भैया खड़े होते हैं हमारे एमडी सर के छोटे भाई, उन्होंने बोला जाके आप दिखा दो, मैं आके दिखाने लगा तो उन्होंने गाली दिया उल्टा सीधा, और वो एमडी सर को बोला कोई भी सांसद विधायक नेता होगा उसका, मैंने बहुत गंदा वर्ड बोला, मैं नहीं बता सकता आपको। वो चले गए, उसके बाद वो एसपी साहब को बोले, सर आप जाइए मैं देख लेता हूँ। एसपी साहब चले गए, वो तुरंत शटर गिरा दिए और हमको और हमारे एक गेस्ट थे मिस्टर सियोन जी और एक और स्टाफ था, उनको पकड़ के तुरंत गाड़ी में बैठा लिए। तब तक भैया आ गए, भैया ने उनको रिक्वेस्ट किया कि अंदर आके बैठिए हम बात करते हैं, उन्होंने कोई रिस्पांस नहीं किया। पुलिस लोग बहुत गंदा व्यवहार कर रहे थे। जो राजेश सिंह नाम के एसपी थे, क्या क्या लग रहा था आपको, नशे में थे? सर वो बहुत दारू पिए हुए थे, उनका बोलने का तरीका एकदम कुछ समझ में नहीं आ रहा था, इतना दारू पिए हुए थे वो। इसके बाद जो गोमती नगर से इंस्पेक्टर आए, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने आए और तुरंत एसपी साहब को नमस्कार किए, उसके बाद शटर गिरवा दिए और मुझे अंदर गाड़ी में बैठा लिए। उसके बाद और भी उच्च अधिकारी आए होंगे, तो उन्होंने क्या रिस्पांस किया, किस तरह से? गोमती नगर के जितने पुलिस आए सर, उन्होंने कोई अच्छा व्यवहार नहीं किया। बाद में सीओ साहब आए, वो थोड़ा रिस्पांस दिए। किस नाम से आपका ये होटल? मैलोज रेस्टोरेंट एंड बैंक्वेट। कहाँ पे? गोमती नगर स्टेशन जनेश्वर मिश्रा पार्क गेट नंबर 1 के पास। ऑन एन न्यूज़ से संवाददाता फरीदुल हसन की रिपोर्ट।